गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है एक कॉन्ट्रेक्चर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क। एक कॉन्ट्रेक्टर स्लाइड को प्लान करता है बच्चों के खेलने के लिए फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। वो जो बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं प्रेफियर्स, उनके लिए स्लाइड को स्टॉप एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर, स्लाइड की ऊंचाई 1.5 मीटर हो और एंगल इंक्लाइन करें ग्राउंड से 30 डिग्री। और बड़े बच्चों के लिए वो प्लान करता है कि ऊंचाई स्लाइड की 3 मीटर हो और एंगल 60 डिग्री बने। तो लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी होनी चाहिए, स्लाइड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये आपको फाइंड कर लेना है। तो आइए देखते हैं दोनों केस के लिए। पहले केस के लिए बिलो 5 ईयर यानी 5 साल के छोटे बच्चों के लिए क्या प्रेफर करता है कि उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर हो और एंगल जो फॉर्म हो, एंगल जो है स्लाइड बने वो 30 डिग्री का एंगल हो। तो लेंथ ऑफ स्लाइड्स क्या होनी चाहिए, तो लेंथ ऑफ स्लाइड्स को हमने यहाँ पर एसी कह दिया, हमने यहाँ लैंग्वेज में लैडर लिख दिया। यहाँ आपका जो लैंग्वेज है वो स्लाइड है, तो लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी होनी चाहिए ये मान लिया हमने, एसी कह दिया। हमें एसी को फाइंड करना है यानी हाइपोटेनियस निकालना है और परपेंडिकुलर हमें मालूम है। और जैसा कि आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन है वो साइन रेशियो का है। सो साइन का फार्मूला यूज करेंगे, साइन 30 इज इक्वल आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1.5 एंड हाइपोटेनियस है एसी। और साइन 30 की वैल्यू आप जानते ही हैं 1/2 होता है। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एसी इज इक्वल आपको 3 मीटर प्राप्त हो गया। और यही रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्लाइड्स है जो बिलो 5 ईयर के बच्चों के लिए प्रिपेयर किया गया है। और इस सेकंड में फॉर एल्डर चिल्ड्रन बड़े बच्चों के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए और एंगल जो ग्राउंड से बने वो 60 डिग्री का होना चाहिए। तो इसमें आपको लेंथ ऑफ स्लाइड्स कितना होना चाहिए, लेंथ ऑफ स्लाइड को हमने यहाँ पर क्या कह दिया है, पी आर कह दिया है, इज इक्वल मान लिया हमने लेंथ ऑफ स्लाइड्स को पी आर कह दिया। तो हमें पी आर निकालना है, आपको ये समझ रहे हैं कि हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना है जबकि परपेंडिकुलर मालूम है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में साइन का रिलेशन है, साइन 60 इज इक्वल पी क्यू अपॉन पी आर। साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होता है, पी क्यू की वैल्यू 3 दी गई है और पी आर आपको फाइंड करना है। और सॉल्व करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पी आर इज इक्वल कितना हो जाएगा, 6/√3। ये आपको पी आर की वैल्यू मिलेगी 6/√3। और देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में रूट का टर्म है इसलिए इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। और सॉल्व करने पर आपको 2√3 मीटर स्लाइड लेंथ ऑफ स्लाइड्स प्राप्त हो गया। और यही दोनों केसों में आपको लेंथ ऑफ स्लाइड्स फाइंड करना था जो कि फाइंड किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप कल देखेंगे। दैट्स